दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री लाल किले से खड़े होकर बोलता है कि हमें अपने हिंदुस्तान को डिजिटल इंडिया के माध्यम से देश को दुनिया के स्तर तक लेके आना है। क्यों? आप अपने आप से सवाल पूछिए। यहां पर जितने भी यंग माइंड्स हैं, जितने भी यंग स्टूडेंट्स हैं, अक्सर अपने आप से ये सवाल पूछते हैं जब शाहरुख खान की DDLJ जैसी मूवीज देखते हैं और ये सोचते हैं कि ये जितनी भी मूवीज हैं इनमें जो फॉरेन कंट्रीज की सीन्स आ रही हैं वो खूबसूरत इमारतें दिखती हैं, वो चकाचौंध सड़कें दिखती हैं, वो आलीशान मुकाम दिखते हैं, ऐसा हमारे देश में क्यों नहीं है? आप किसी भी आधुनिक देश की बात कीजिए, कैनेडा, USA, UK, फ्रांस, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सिर्फ एक चीज की वजह से आज इतने ज्यादा आगे हो चुके हैं कि हमारे जैसा देश भी आंखें चाहकर इन देशों की तरफ देखता है और अपने आप से बतौर नागरिक हम सवाल पूछते हैं कि क्या अपने रहते हुए हम इनके जैसा कभी बन पाएंगे। उसका सिर्फ एक ही कारण है, इन देशों ने तकनीकी तौर पे और साइंटिफिक तौर पे जो उपलब्धियां हासिल की है इन्होंने पूरे दुनिया को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। दैट साइंटिफिक टेंपर, दैट साइंटिफिक थिंकिंग, दैट साइंटिफिक नॉलेज। और आज हमारे देश में वो साइंटिफिक टेंपर मिसिंग है, आज हमारे देश में वो साइंटिफिक थिंकिंग मिसिंग है, इसलिए हमारा देश सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ नहीं हो पाया। हमारे देश में सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ नहीं हो पाया। एक देश को विकसित होने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? मैन पावर हमारे पास दुनिया का सबसे ज्यादा है, पैसा उसकी कमी तो आज भी नहीं है हमारे हिंदुस्तान में, और कौन सी चीजें हो सकती है? सर ने एक वर्ड में इस सवाल का पूरा जवाब दे दिया, सोच। आर कंट्री Unfortunately, is not as disciplined as it has to. हमारा देश उतना disciplined नहीं है। सब कुछ है हमारे देश में, सब कुछ है हमारे देश में। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क जिसे हम बहुत गर्व से कहते हैं, हर व्यक्ति का जीवन का सपना रहता है कि एक बार इस दुनिया के चेहरे के ऊपर जो सबसे प्रोग्रेसिव कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उस धरती के ऊपर एक बार अपने कदम रखे। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का मुखिया डोनाल्ड ट्रंप जब वो अपनी गद्दी पे बैठा था, उसने दुनिया के तकनीक और आधुनिक इंजीनियर्स के ऊपर रोक लगा दी थी, लेकिन हिंदुस्तानी कंप्यूटर इंजीनियर और हिंदुस्तानी वैज्ञानिकों के ऊपर वो रोक नहीं लगा पाया था, क्योंकि इस बात से वो भी वाकिफ था कि जिस दिन माइक्रोसॉफ्ट से और गूगल से मैंने हिंदुस्तानियों को बाहर कर दिया तो ये हिंदुस्तान में भी जाकर माइक्रोसॉफ्ट और गूगल बनाने की क्षमता रखते हैं। इतनी ताकतवर